ज्ञान मोती ग्रुप की एक नई प्रस्तुति। बाबा ने पूछा, क्या तुम अपने को ज्ञान सागर से निकली हुई पतित पावनी नदियां समझते हो? फिर आगे बाबा ने जो कहा, अगर हम उसको प्रैक्टिकल जीवन में धारण करके चलें, यानी वैसा स्वरूप बन जाएं, तो जीवन में महान परिवर्तन आ सकता है। बाप दादा ने कहा, पतित पावनी बनने के लिए तुम्हें मुख्य एक ही बात स्मृति में रखनी है कि मैं सर्व आत्माओं के पतित संकल्पों, वृत्तियों व दृष्टि को भस्म करने वाली मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं। अगर तुम मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर किसी भी पतित आत्मा की तरफ देखेंगे, तो उस पतित आत्मा के पतित संकल्प का तुम्हारे ऊपर कोई वार नहीं होगा, बल्कि और ही पतित आत्माएं आपके ऊपर बलिहार जाएंगे। लेकिन इसके लिए पहले आप पतित पावनी आत्माओं की स्थिति मन मनाभव होनी चाहिए। बाप दादा ने कहा, अगर कभी किसी पतित आत्मा का तुम पतित पावनी आत्माओं के प्रति कोई पतित संकल्प उत्पन्न होता है, तो समझ लेना चाहिए तुम माइक तो बने हो, अभी माइट हाउस नहीं बने हो। तो अब माइक के साथ साथ माइट हाउस बनने का भी पुरुषार्थ करो, अर्थात केवल मीठी वाणी ना हो लेकिन हमारी स्थिति भी शक्तिशाली हो। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।